हाय एवरीबॉडी, स्वागत है मेरे चैनल पे सुमित। आज जिद के चलते मैं आपको नए वीडियो बताता रहता हूँ। सो दोस्तों, आज के वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं एक ऐसा एनिमल के ड्राइंग बनाने वाला हूँ और उसे पेंसिल स्केच देने वाला हूँ, जो आपको शायद आपको पता नहीं होगा या फिर आपका उसे पता होगा लेकिन दूसरे नाम से, एक इंग्लिश नाम में उसे दूसरा ही नाम है, वो ड्राइंग मैं आज बनाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे वीडियो शुरू हो जाएगा मैं उसका नाम बता ही दूंगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलता रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है दोस्तों, इसका नाम आपको जान के हैरानी होगी, इसका नाम है म्यूफ्लोन। जी हाँ दोस्तों, म्यूफ्लोन नाम का एनिमल है जो अपने सींग से बहुत फेमस हो चुका है या अभी भी फेमस है, और ये यहाँ के सिंग के वजह से फेमस है। इसके सिंग बहुत बड़े होते हैं, गर्व होते हैं, और ये सिंग शिकार को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, और ये वेजिटेरियन है, घास खाता है। लेकिन इसके सिंग के मुंह लगना नहीं चाहिए, बहुत जोर से लगते हैं। चलो दोस्तों, अब इसके पेंसिल स्केच शुरू करते हैं। ये HB ली है और HB से मैंने यहाँ पे शेडिंग करना शुरू किया है। अब देख रहा हूँ मैं HB से कितने जोर से कर सकता हूँ। HB को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, हाँ, लेकिन HB को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन 2H से इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2H से हम इसे ब्लेंडिंग करने की कोशिश करते रहेंगे। दूसरे यहाँ पे मैंने नीचे तक सिंग बनाए हैं, क्योंकि दोस्तों ये मफलर का यही तो खास थिंग है जो इसे नेचर ने दिया है, हमारे गॉड ने दिया है, कि इसके सिंग, क्योंकि इसके सिंग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत लंबे और कर्व भी होते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो डियर ऐसे, लेकिन इसका बहुत यूनिक है, तो आपको तो पता है मैं यूनिक वीडियो लेके आता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आज कुछ नया होते हैं। और ये वीडियो किड्स को भी बहुत अच्छा लगेगा और बड़े लोगों के लिए भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग करना शुरू किया है। HB से लेके मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसे बहुत अच्छा अट्रैक्टिव देना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और अगर मैं इसको सिंग को भी अच्छा कलर दूंगा ना, तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पेंसिल स्केचिंग भी एक कलर की तरह होती है, जो मैं मानता हूँ। इसलिए मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि कलर, यानी कि मैं कलर वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि दोस्तों कलर में मतलब कलर यूज नहीं करूँगा, यानी कि पेंसिल स्केचेस की तरफ से कलर करने वाला हूँ। और जैसे कलर में डिफरेंट कलर होते हैं, वैसे यहाँ पेंसिल स्केच में भी डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल रहते हैं दोस्तों। जैसे कि H है, HB है, 10B है, 2B है, 4B है, 4H है, और लेड पेंसिल भी है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कलर करने वाला हूँ। मैं दोस्तों वीडियो इसलिए बनाता हूँ, मैंने पहले बता चुका हूँ कि बहुत से लोग हैं जो करते कोचिंग क्लासेस कलर पेंसिल्स के, तो उनके लिए मैं फ्री में वीडियो बनाता रहता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप टाइम नहीं देख पाओगे, बट 2 मिनट में मैंने ये सिंग तैयार किया और मैं इसे अच्छी तरह से अपने हाथ से ब्लेंडिंग करने वाला हूँ। ओके, आप चाहो तो ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है, तो मैं ब्लेंडर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप चाहो तो ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे बात मानो कि ब्लेंडर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत सिंग को अट्रैक्ट बनाना है, उसके लिए मैं लूँगा HB, और HB से मैं यहाँ पे अलग करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होगा। उसके बाद दोस्तों, मैं HB से ही पहले मैं डार्क एरिया कवर करने वाला हूँ, उसके लिए मैं लूँगा 10B। 10B से मैं इसकी नोज अच्छी बनाने वाला हूँ। देखिए, नोज तो अच्छी बनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा माउथ के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट बात है ना दोस्तों, वो पहले कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर हमने इसके जैसा नहीं बनाया तो वीडियो करके भी कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों।
आपको बता देता हूँ, अगर हमने वीडियो बनाया ना इसके ऊपर तो ऐसे ही एनिमल बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें दूसरा एनिमल नहीं बना सकते। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाना है तो मसलन को, तो मसलन के जैसे ही बनाना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा एनिमल है, थोड़ा बहुत हार्ड जाएगा, पर दोस्तों जो बोला है वही वीडियो में देखना पड़ेगा, वरना हमारे फ्रेंड्स मुझे क्या कहेंगे कि तुमने बताया दूसरा और बनाया दूसरा। तो यही बनाना है, तो इसके लिए मैं 4 करूँगा और माउथ को पहले कवर करूँगा दोस्तों। मैं यहाँ से क्रॉस बनाने वाला हूँ ताकि माउथ थोड़ा आगे आए, इसका माउथ थोड़ा आगे रहता है दोस्तों, थोड़ा बहुत आगे रहता है। तो यहाँ पे मैं 4B के जैसे यूज करके इसका माउथ मैंने आगे बनाया। तो इसे हमें हाफ ही ब्लेंडिंग करनी है, पूरी ब्लेंडिंग नहीं करना। उसके बाद दोस्तों मैं लूंगा फिर एक बार HP लूंगा और इसका मुंह थोड़ा और आगे लूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड को थोड़ा बहुत कर्व करके थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा और इसे कम ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी, तो इससे थोड़ा ये आगे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं साइड से करूंगा ब्लेंडिंग, फिर मैं यहाँ पे करूंगा ब्लेंडिंग। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग किया, करना शुरू किया है। आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। ओके, फिर मैं यहाँ से करूंगा। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए मुझे हो रहा है कि मुझे ब्लेंडिंग कितने तक करनी चाहिए, तो मैं कंफ्यूज होता हूँ। बराबर, ऐसी बात नहीं कि हर कोई होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, एच पेंसिल लेना है। एच पेंसिल का ये बेनिफिट है दोस्तों, ये ज़्यादा डार्क नहीं होती दोस्तों। यदि मैं गलत हुआ तो मैं इसे इजीली इरेज कर सकता हूँ, और अगर मैंने HB से किया तो HB एच से डार्क है दोस्तों, मैं इरेज नहीं कर पाऊंगा। अगर इरेज करूँगा तो उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से, आप देख रहे हो बहुत अच्छी तरह से, बहुत धीरे से मैंने किया है। ओके, अब मैं लूंगा HB और इसी के ऊपर मैं थोड़ा बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करूंगा दोस्तों। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ये देखिए हमारे यहाँ का ब्लेंडिंग पूरा हो चुका है। तो अभी हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो चलिए नीचे की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बाल निकालेंगे, सो आप वो बाल निकालने पड़ेंगे। उसके लिए मैं डार्क पेंसिल लूंगा और उसका नाम है 2B। ओके, इसे भी थोड़ा ब्लेंड करेंगे और फिर HB से यहाँ का नीचे का बनाएंगे। आप देख रहे हो मैं यहाँ से नीचे का बना रहा हूँ, ज्यादा मोटी भी ड्राइंग नहीं बनी और ज्यादा छोटी भी नहीं बनानी, जितना हो सके उतना बनानी है हमें, और ज्यादा ऐड भी नहीं करना। ज्यादा ऐड करोगे तो पेंसिल स्केच से बहुत भार आ जाएगा और इसी के चलते प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत नहीं करना हमें। थोड़ा बहुत ऐसे लाइंस बना सकते हैं आप ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, बट लाइंस से ज़्यादा मैं तो ऐसे मानता हूँ कि आप थोड़ा ब्लेंडिंग कीजिए। उसके बाद दोस्तों हमें आग की तरफ देना है। इसके आग का एक बहुत अच्छा है कि इसकी आग ऐसी होती है,
देखिए दोस्तों, मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश की है और विद इन 10 मिनट में मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा था, थोड़ा बहुत लाइट का इफेक्ट भी आपको बताएगा क्योंकि रियल में ऐसी है। थोड़ा बहुत लाइट के इफेक्ट से आपको मैंने ब्राइट दिखाया है आपको, और वीडियो बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि हमारा माउथ फ्लोन कैसा बना है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं कि, और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं कि सब्सक्राइब करने को। और आपको तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसी तरह इस वीडियो में बताने लो, हमारा टारगेट है 1K, यानी कि 1000 सब्सक्राइब कम्प्लीट करना और 4000 वॉच टाइम कम्प्लीट करना। तो आपकी मदद बहुत अहमियत है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।